हेलो बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर पॉलिनोमियल से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है बट हमें करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स में पूछा जाता है बार बार। तो देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्या हमें निकालना है? सबसे पहले कह रहे कि अल्फा माइनस बीटा बताओ, तो ये देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि एफ एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा हमारे पास, माइनस बी बाय ए। और वहीं हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, इसके बारे में तो हम सबने पढ़ा ही हुआ है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस बी बाय ए। वहीं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, सी बाय ए। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा पता है हमें, और ये क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमारे पास ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, एट्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, और वो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। बस इसी आइडेंटिटी का इसमें यूज़ करेंगे। तो हम अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का भी होल स्क्वायर अगर निकालना चाहें तो ये क्या होता है, अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा। अब ये क्यों यूज़ हुआ है ये अभी बताऊंगा, पहले इसको सोल्व करते हैं तब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कितना हो गया, माइनस बी बाय ए का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस टू, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी बाय ए। तो हमारे पास बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बन गया ये। अच्छा, ये इधर आएगा तो माइनस टू सी बाय ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अच्छा, इसका एलसीएम क्या बन सकता है हमारे पास, एलसीएम बन जाएगा हमारे पास ये देखो ए स्क्वायर ए, तो एलसीएम ए स्क्वायर बन जाएगा, और बी स्क्वायर ऊपर माइनस टू ए सी, और ये किसके इक्वल आ रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन में ए स्क्वायर। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब वो कैसे करेंगे, तो देखो जिस तरह हमारे पास प्लस में आइडेंटिटी है इसी तरह माइनस में भी होगी। तो वो क्या आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू, अच्छा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की अभी वैल्यू निकाल ली है ये रही, तो ये कितनी होगी, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा, यानी टू इंटू सी बाय ए, टू इंटू सी बाय ए। अच्छा, इसको इधर करते हैं आप थोड़ा सा सोल्व, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन में ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस टू सी अपॉन में ए। अच्छा, इसका एलसीएम कितना बन गया, ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन में माइनस टू ए सी, ये आ गया, तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में ए स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो वो कैसे आ जाएगा, इस स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट, तो रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अच्छा, ए स्क्वायर के भी ऊपर रूट आएगा, लेकिन अगर हम ए स्क्वायर से ए हटा देंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा है, हमने क्या करा, ये निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाला, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो सी बाई ए इंटू इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा। हमें आइडेंटिटीज़ पता हैं दो,
एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इसमें दूसरी आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा वो है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बस इनमें वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके मैंने देखो पहले से जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने वैल्यू निकाली, और ये इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें जब इसका माइनस वाला पुट करा उसमें इसका यूज़ हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए सेम डाटा का थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे। हमारे पास, मैं नोट कर लेता हूँ अभी साथ के साथ, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू जो है हमारे पास ये आ रही है बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन में ए स्क्वायर, क्योंकि इसका बार बार यूज़ होएगा आगे वाले तीन पार्ट्स में, इसलिए हमने अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, आप नोट कर लेना। देखो अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, ये है अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा, और यहाँ पर देखो एलसीएम अल्फा बीटा हो गया, तो ये कितना बन जाएगा अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। अच्छा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने वैल्यू निकाली थी, इसी का यूज़ करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन में ए स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारे पास अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा है तो इसकी वैल्यू कितनी है सी बाय ए, तो इन टू सी, और जो सबसे नीचे वाला ए होता है वो कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो ए से ए कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन में ए सी। तो ये इसका सेकंड वाले का आंसर। देखो कितना आसान था, अगर एक बारी हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं उसके बाद बाकी सारे पार्ट्स काफ़ी ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये भी तुमको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसको कर दिया मैंने रब। थर्ड पार्ट समझते हैं, थर्ड पार्ट में क्या है, वन बाय अल्फा क्यूब प्लस वन बाय बीटा का क्यूब। अच्छा देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं इसका, अल्फा क्यूब और बीटा का क्यूब। अच्छा बीटा क्यूब इधर आ जाएगा प्लस अल्फा क्यूब, चाहे ऐसे लिख लूँ चाहे इसको रिवर्स करके लिख लेते हैं। पहले देखो रिवर्स करके लिखना थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखो कुछ फैमिलियर फैमिलियर सा लगता है। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी जो यहाँ थर्ड आइडेंटिटी का यूज़ होएगा, वो क्या है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कोई ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है आपने जिसमें क्या होता था ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसकी आइडेंटिटी ये होती थी। तो क्या मैं सिमिलरली इसको भी एक्सपेंड कर सकता हूँ इसी फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा क्यूब और बीटा का क्यूब। अच्छा ये देखो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही माइनस बी बाय ए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हाँ इसकी वैल्यू भी है हमारे पास, वो कितनी है बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन में ए स्क्वायर। थर्ड पॉइंट है माइनस अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है सी बाय ए अपॉन में अल्फा और बीटा का क्यूब। अच्छा इसको मैं ये लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल क्यूब, और अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे पता ही है, ये क्या है सी बाय ए का होल क्यूब। यहाँ तक आ रहा है समझ में, अब इसके आगे करते हैं माइनस बी बाय ए। अच्छा देखो यहाँ एलसीएम क्या बन जाएगा ए का क्यूब, सॉरी ए का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए सी अपॉन में सी क्यूब अपॉन में ए क्यूब। इसके बाद अगर सोल्व करते हैं तो ये देखो माइनस बी बाय ए, अच्छा यहाँ देखो माइनस का टू ए सी और माइनस का ए सी क्या हो जाएगा माइनस का थ्री ए सी अपॉन में ए का स्क्वायर। देखो ये सी क्यूब और ए क्यूब, तो यहाँ क्या होएगा सी क्यूब से तो डिवाइड हो जाएगा और ए क्यूब ऊपर आ जाता है, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर और बीच वाला, यानी आप देखो अगर ए बाय बी हो और यहाँ सी बाय डी हो तो सबसे नीचे वाला तो सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और बीच वाला आपस में, तो यही हमने करा है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और बीच वाले आपस में। देखो यहाँ नीचे ए क्यूब बन रहे हैं,
तो हमारे पास ए क्यूब से कैंसिल हो गया ये वाला ए क्यूब, और बच क्या गया, सिर्फ और सिर्फ इसको रब कर देते हैं, ये हमारे पास बन गया है माइनस बी बी स्क्वायर माइनस थ्री ए सी अपॉन में सी क्यू। बस इसका ये आप यहाँ तक भी सोल्व कर देंगे तो आपको सही माना जाएगा आंसर। तो ये है इसका आंसर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट के लिए फिर यहाँ से रब करेंगे, तो इसका फोर्थ पार्ट में क्या होएगा ज़रा देखते हैं। अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फ़ा का स्क्वायर। अच्छा बताओ एलसीएम क्या बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा अल्फ़ा का फोर प्लस बीटा का फोर। अच्छा देखो ये है, अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कभी ऐसा सुना है कि अगर हमारे पास ऐसा हो ए का स्क्वायर का और बी का स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करता हूँ, ये क्या बनेगा ए का फोर बी का फोर, इसका स्क्वायर का स्क्वायर होएगा तो ए की पावर फोर बी की पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बस यही सेम कॉन्सेप्ट मैं इसमें यूज़ करूँगा। तो देखो ए की पावर फोर और प्लस बी की पावर फोर के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा इक्वल आ जाएगा किसके, ए की पावर फोर और बी की पावर प्लस बी की पावर फोर के। यानी इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे इसकी वैल्यू मिल गई, और क्या ये भी कुछ इसी फॉर्म में ही है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा इसकी जगह, ये वाला। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस टू, देखो ये है अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर, तो अल्फ़ा और बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इसे मैं, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या इसकी वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल है। तो ये है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू। अच्छा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये हो गया, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा टू सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ है अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, क्या सेम ही वही हो गया, तो ये भी सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, बीटा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन में, अच्छा इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, और नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर फोर बन जाएगा। इसका मैंने होल स्क्वायर लिख दिया और नीचे वाले का स्क्वायर करा तो ए की पावर फोर माइनस टू सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब इसके बाद कैसे करेंगे देखो इसको एक्सपेंड करके लिखता हूँ, तो यहाँ क्या बनेगा बी की पावर फोर माइनस, यहाँ कितना बन जाएगा फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी प्लस में आएगा बी की पावर फोर प्लस फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी अपॉन में। अच्छा देखो इसका एलसीएम क्या बनेगा, ए की पावर फोर ही बनेगा, तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ ए की पावर फोर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अभी बताया था सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सबसे ऊपर आएगा तो ए स्क्वायर, और ये वाला यहीं पर ही, तो ये ए है इसको डी मत समझना, ए की पावर फोर, और ये सी स्क्वायर कहाँ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखो ए स्क्वायर से यहाँ पे ये सिर्फ दो ही रह गया, अच्छा फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा इसको अगर मैं सही सही लिखूँ यहाँ पर, तो बी की पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर सी, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास अपॉन में ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका आंसर ये आ गया। आई होप आपको ये चारों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, नहीं आए कि थोड़ा सा कभी मैं तेज़ हो जाता हूँ
तो आप क्या करो, वीडियो को बार बार देखा करो। वीडियो को बार बार देखेंगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।